हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट वन पढ़ाया था। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट टू लेकर के आए हैं। तो आइए, पार्ट वन में हम लोगों ने देखा था कि इक्वेशन किसको कहते हैं, इक्वेशन कहाँ से आया, इक्वेशन का टाइप क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म तक आए हुए थे। और अभी हम पीछे जो लिखे हुए हैं आपको दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड पर, स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, हमने यहीं पर ला करके छोड़ दिया था आपको। तो आइए पार्ट टू को हम कंटिन्यू करते हैं। अगर आप पार्ट वन नहीं पढ़े हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में पार्ट वन का लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ जा करके क्लिक करें और पहले पार्ट वन देखें फिर पार्ट टू को देखें। चलिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। पिछला क्लास का थोड़ा सा चीज़ हम एक बार फिर से आपको रिकॉल करते हैं। सर, यहाँ ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है? तो ए बी सी तीनों जो है ये आपका रियल नंबर है। तीनों आपका कौन सा नंबर है? रियल नंबर। सर, अगर ए बी सी तीनों में से कोई एक इमेजिनरी नंबर हो जाए तो क्या उसको बोलेंगे क्या क्वाड्रेटिक? नहीं, उसको क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे। क्वाड्रेटिक होने के लिए इस तीनों को रियल नंबर होना पड़ेगा। खैर, अभी आप लोग इमेजनरी नंबर का कॉन्सेप्ट जानते भी नहीं होंगे, इलेवंथ में पढ़ना है हम लोग को इमेजनरी नंबर क्या होता है। चलिए, ए बी सी ये तीनों क्या होना चाहिए? एक रियल नंबर होना चाहिए। और एक चीज़ और बताए थे कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, आपका ए कभी जीरो के इक्वल ना हो, तो आप ऐसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम दे देगा, जैसे एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, आपको पूछेगा कि ये इक्वेशन जो है सर, ये जो इक्वेशन अभी आपको दिख रहा है, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं। सबसे पहला चीज़ जो हम लोग आज पढ़ेंगे, हम लोग चेक करने के लिए जानेंगे कि कोई इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक कब कहेंगे। तो किसी भी इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक तभी कहेंगे जब वो इक्वेशन इस फॉर्म को फॉलो करेगा। यदि इस फॉर्म को फॉलो करता है तब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इस फॉर्म को फॉलो नहीं कर पा रहा है तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। समझ रहे हैं? आइए अब देखिए, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ लीजिए, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी। कई लोगों को नहीं आता होगा तो मैं लिख देता हूँ यहाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए, तो सर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस क्या हो जाएगा, फोर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब देखना मेरे भाई, एक्स स्क्वायर है, फोर एक्स प्लस टू एक्स क्या हो जाएगा, सिक्स एक्स, फोर प्लस थ्री क्या हो जाएगा, सेवन हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो, ये जो है आपका फाइनल इक्वेशन आ गया, यही दिया हुआ है। अब आपको पूछ रहा है कि क्या ये क्वाड्रेटिक है, तो हम जैसे ही हमको पूछेगा कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं, झट से हम लोग हमारे माइंड में इसे स्टैंडर्ड फॉर्म का फिगर बन जाना चाहिए कि सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहा है कि नहीं। यस सर, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, इसके सामने कॉन्स्टेंट है कि नहीं सर? यस सर, नहीं कोई है तो कौन है, वन होता है। तो ए के जगह पे यहाँ आपको लिखने के लिए भी कहेगा कि ए का वैल्यू बताइए क्या हो, क्या है, तो वन है। बी का वैल्यू बताइए इसमें क्या है, सिक्स है। सी का वैल्यू क्या है, सेवन है। सर, ए बी और सी तीनों रियल नंबर है और इस फॉर्म को भी फॉलो कर रहा है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर सर ऐसा दे दे, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव प्लस एक्स स्क्वायर, अब आपको पूछ दिया कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे पहले, ठीक, क्या जाता है सर, सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स है, रहने दीजिए। अब एक्स स्क्वायर इस साइड में प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, माइनस एक्स स्क्वायर। फाइव को इधर ले आइए, माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। सर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच गया आपका टू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब हम फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म को देखेंगे। हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर वाला भी टर्म दिख रहा है, वो दिखना चाहिए था यहाँ भी, लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब
हमारा जो ये गिवन इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा है। तो जब सर स्टैंडर्ड इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो इस इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। तो सर ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नोट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नोट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नोट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बस इतनी सी ही बात है कि अगर आपका इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो को फॉलो कर रहा है तो आप उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो आप उसको क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे। तो चलिए बच्चों अब अगली कड़ी में हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर दो तरीका है, नॉर्मली दो मेथड हम लोग कंसीडर करेंगे यहाँ। एक आपका होगा बाय फैक्टराइजेशन और दूसरा होगा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम लोग पहले फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम लोग डिराइव भी करेंगे काफ़ी अच्छे से। ठीक, तो आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर। आइए तो बाय फैक्टराइजेशन, तो पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक, उसके बाद फिर जब वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे तब फिर हम इसको चलेंगे। तो बच्चों चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फैक्टराइजेशन से कैसे करते हैं। तो पहले तो सर फैक्टराइजेशन आना चाहिए तब ना सॉल्यूशन निकालेंगे। एक पॉलीनोमियल पहले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। अभी तो सिंपल दिया हुआ है और स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलीनोमियल दे दिया है। फैक्टराइजेशन से भी पहले एक चीज़ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है सीखने की, उसको पहले सीखिए। कभी कभी ऐसा दे देगा टू एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी थ्री एक्स प्लस टू प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हुआ है सर, जैसे मन वैसे दे दिया है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है पॉलीनोमियल का। तो आप पूछेंगे कि सर पॉलीनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो मैं बता रहा हूँ कि पॉलीनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका जो होता है वो पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। यानी पहले क्या करना है, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है उसको लिखिए, फिर उससे छोटा पावर वाला को लिखिए उसके क्लोज जो है, तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, फिर उससे भी छोटा पावर वाला लिखिए प्लस टू। ये हो गया पॉलीनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप अब जब भी फैक्टराइजेशन करेंगे ना तो पहले उसको पॉलीनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिएगा। आइए अब हम इसको सीखते हैं कैसे सर इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। अब देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये आपका लास्ट टर्म और ये बीच में है तो इसको मिडिल टर्म बोल देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस, हमेशा ध्यान रखना है इस मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। अब मिडिल टर्म को ब्रेक करना है कितने पार्ट में सर, तीन पार्ट में नहीं दो पार्ट में, कितने पार्ट में डिवाइड करना है दो पार्ट में, दो पार्ट में इसको ब्रेक कीजिए। कौन तो कहता है कि थ्री एक्स को सर दो पार्ट में, तो थ्री और एक्स, नहीं सर ऐसे नहीं ब्रेक करना है। तो कई लोग ऐसे कर देंगे, तो ऐसे करेंगे तो फिर बनेगा नहीं। आइए थ्री एक्स प्लस टू है तो कैसे कीजिएगा सर, तो मिडिल टर्म में ब्रेक इस तरह से करते हैं, दो पार्ट में इसको इस तरह से डिवाइड किया जाए कि उस दोनों का प्रोडक्ट, उस दोनों का प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल हो। मिडिल टर्म को ब्रेक ऐसे करना है, इस तरह से दो पार्ट में बांटना है कि उस दोनों पार्ट का जब हम प्रोडक्ट करें तो वह फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। चलिए तो सर 3x है ना, यहाँ फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट क्या होगा 2x स्क्वायर होगा। तो चलिए सर इसको ब्रेक करते हैं 2x प्लस x, 2x प्लस x, 2x प्लस x 3x हो जाता है सर, और 2x इंटू x करेंगे तो ये 2x स्क्वायर भी हो जाएगा, प्लस क्या सर 2 है तो 2। आइए अब इसको फैक्टराइज कीजिए। सर इस दोनों में कॉमन कुछ आ रहा है, x, x बच गया यहाँ, प्लस यहाँ क्या बच गया सर 2,
अब प्लस सर, इस दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं रहा है। तो सर यहाँ चुपचाप इसको रख दीजिए, जब कॉमन आ ही नहीं रहा है तो हम क्या लेंगे कॉमन, कुछ भी नहीं लेंगे। अब जरा देखिए मेरे भाई, यहाँ भी x प्लस टू है, यहाँ भी x प्लस टू है, ये दोनों कॉमन आएगा क्या? ले लीजिए आराम से, x प्लस टू कॉमन आ गया। और यहाँ क्या बच गया, जब यहाँ से आपने x प्लस टू हटाया तो यहाँ बच गया x प्लस, यहाँ से भी x प्लस टू हटाया तो नहीं कोई बचा, तो कौन बचा, वन बचा, x प्लस टू इंटू x प्लस वन। चलिए बड़ा सिंपल है, यही हो गया फैक्टराइजेशन। तो बच्चों फैक्टराइजेशन तो हो गया, अब सर सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन करेंगे इसका कैसे। अगर इक्वेशन के फॉर्म में देता, जैसे मान लीजिए इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, बस इधर जो पॉलीनोमियल है उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ इक्वल टू जीरो अगर दिया रहता तो आप देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। सर अब दो नंबर का प्रोडक्ट क्या दिख रहा है, जीरो के इक्वल। ये चीज़ हमेशा याद रखना मेरे भाई, m इंटू एन इज इक्वल टू जीरो होगा। किसी दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल तभी होगा जब उस दोनों में से कोई एक नंबर जीरो होगा, या तो m को जीरो होना चाहिए या फिर n को जीरो होना चाहिए। तो सर दो ही नंबर में ऐसा होगा, नहीं सर, अगर m इंटू एन इंटू पी है तब तो भी सर वही बात, या तो m को जीरो होना पड़ेगा या फिर n को या फिर p को, तीनों में से किसी एक को, कम से कम एक को तो जीरो होना पड़ेगा, दो हो जाए तो और अच्छी बात। ठीक, तो चलिए, तो m इंटू एन इंटू पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, जीरो है तो या तो m जीरो या फिर n जीरो या फिर p जीरो। यहाँ तो खैर हमारा दो नंबर ही है, तो इस दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, दैट मीन्स कि या तो ये जीरो है या फिर ये जीरो है। तो सर इस यहाँ लिखेंगे आइदर, आइदर x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो और x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो जरा देखो मेरे भाई, x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, टू इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, x इज इक्वल टू माइनस टू, अब वन इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, x इज इक्वल टू माइनस वन। तो x का दो दो वैल्यू आ गया, दो दो वैल्यू। एक चीज़ हमेशा याद रखना भैया कि अगर इक्वेशन आपका लीनियर हो तो उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, अगर इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक है तो उसका हमेशा कितना सॉल्यूशन आएगा, दो सॉल्यूशन आएगा, अगर क्यूबिक है तो तीन, बाई क्वाड्रेटिक है तो चार, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। ठीक, तो हमारा इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक, क्या है, क्वाड्रेटिक, इसलिए इसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे, दो। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो सॉल्यूशन होगा, हो सकता है दोनों इक्वल हो, दोनों अनइक्वल भी हो सकता है, x इज इक्वल टू माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो आगे हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स में ये सब चीज़ काफ़ी अच्छे से आपको बताया जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा होगा तब रूट्स क्या होगा, इक्वल होगा जीरो के तब क्या होगा, सब कुछ अच्छे से हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए अब एक प्रॉब्लम मैं आपको देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो है। वीडियो को पहले पॉज कीजिए, उसके बाद पहले खुद से ट्राई कीजिए इसको देख करके, जिस तरह से इसमें किया गया है एकदम सेम प्रोसेस फॉलो करना है। तो चलिए अब आपने ट्राई कर लिया होगा, तो अब मिलाते हैं सर कि मेरा सही हुआ कि नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो है, तो सर एक्स स्क्वायर प्लस, अब फिर से हमने क्या कहा था, मिडिल टर्म को ब्रेक किया जाए। सर मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे किस तरह से, मिडिल टर्म को ब्रेक इस तरह से कीजिए कि सर उस दोनों का प्रोडक्ट, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के क्या होना चाहिए, इक्वल। तो 5x आया सर 6 इंटू एक्स स्क्वायर, सिक्स एक्स स्क्वायर, तो चलिए 5x को दो पार्ट में बांटना है सर, 3x और 2x। अच्छा कई बच्चा जो होता है उसको प्रॉब्लम हो जाता है कि सर कैसे, आप सोच कैसे लेते हैं। एक बार हम पढ़ा रहे थे क्लास में, सारे बच्चे को बताए, बच्चा बोला, बच्चे को पूछे कि समझ गए, तो सब बच्चे ने कहा कि यस सर समझ गए। उसके बाद फिर प्रॉब्लम दिया हमने बनाने के लिए, बच्चे ने, कुछ बच्चे ने प्रॉब्लम बनाया, कुछ बच्चे नहीं बनाया। तो हमने बच्चे से पूछा कि अच्छा बताओ तो तुम लोग को प्रॉब्लम क्या रह गया, क्या डाउट, किसी को डाउट भी है? तो किसी बच्चे ने हाथ नहीं उठाया, एक बच्चा जिससे नहीं बना था, कुछ भी नहीं बना था, थोड़ा सा भी नहीं बना था, वो बच्चा खड़ा हुआ और कहता है कि सर एक डाउट। तो हमने पूछा कौन सा डाउट है, तो कहा सर डाउट ये है कि सोचते कैसे हैं सर, सोचने का तरीका बताइए। तो मेरे भाई सोचने के लिए सर
कोई अलग से रूल नहीं बताना पड़ता, वो धीरे धीरे आप इसको देखते जाएंगे, आपका माइंड इसको कंसीडर करता जाएगा, तो ऑटोमेटिक जो है थिंकिंग डेवलप होता है, आपका अप्रोच धीरे धीरे डेवलप होता चला जाएगा। तो आइए, खैर हम यहाँ बता रहे हैं आपको कि मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए एक प्रोसेस बता रहे हैं कैसे सोचा जाता है। ये छः हैं सर, यहाँ लास्ट में देखना मेरे भाई और फर्स्ट में देखना, फर्स्ट और लास्ट के कॉन्स्टेंट टर्म का प्रोडक्ट करो तो 1 × 6 क्या हो जाएगा, 6। अब करना क्या, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना, कितना होता है सर, 2 × 3। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में जो जो नंबर आता है उसी को थोड़ा थोड़ा जोर जोर करके देखना है कि क्या इसके इक्वल करने पर प्रोडक्ट इक्वल होता है। सर 2 है और 3 है तो 2x + 3x 5x हो जाता है, लेकिन प्रोडक्ट जब प्राइम फैक्टराइजेशन है इसका सर, प्रोडक्ट तो होना ही था। तो चलिए 2x + 3x यहीं से आ जाता है, 2x + 3x + 6। आगे और बताएंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका, अभी हो सकता है आपका ये क्लियर नहीं हो पाया। तो x² + 2x + 3x + 6 = 0, इसलिए पेशेंस रखिए, सब कुछ समझ में आएगा काफ़ी अच्छे से। सर अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है सर, x + 2। जब हमने x कॉमन ले लिया तो यहाँ 2x था, 1x बच गया, यहाँ से x ले लिया तो यहाँ 2 बच गया, तो x + 2। अब देखो मेरे भाई यहाँ से क्या कॉमन लोगे, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 हमने कॉमन लिया तो यहाँ बच गया x प्लस, फिर यहाँ क्या बच गया, 2 = 0। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x + 2 कॉमन आ रहा है सर, तो x + 2 कॉमन ले लिए। जब आपने x + 2 कॉमन लिया दैट मीन्स कि x + 2 यहाँ से दोनों जगह से हटा लिया सर, तो हटा लिया तो यहाँ क्या बच गया, x बच गया, प्लस यहाँ क्या बच गया भैया, 3 बच गया, = 0। आइए सर फिर से, आइदर सर दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि एटलीस्ट 1 नंबर 0 होगा, कम से कम कोई एक तो 0 होना पड़ेगा सर, यानी आइदर x + 2 = 0 और x + 3 = 0, या तो आपका x + 2 0 होगा या फिर x + 3 0 होगा। देयरफॉर x = बोलो 2 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, -2, फिर 3 इधर प्लस में उधर जाएगा तो सर माइनस में, x = -3। तो x का वैल्यू आ गया -2 और -3, तो ये आपका दोनों सॉल्यूशन हो गया सर, -2 और -3। यहाँ भी आपका दो सॉल्यूशन आया था, -2 और -1। ठीक, तो काफ़ी आसान प्रॉब्लम था, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए पहले इसको नोट कीजिए फिर आगे बात करते हैं। तो बच्चे आज हमने आपको काफ़ी अच्छे से फैक्टराइजेशन सिखाया, फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सिखाया कैसे निकालते हैं। अभी उसी पर आधारित 5 सवाल आपको दिया जा रहा है, अगर आप उसको सीख लेते हैं तो पक्का है कि ये आपसे बनना चाहिए। हो सकता है लास्ट में 1-2 प्रॉब्लम में थोड़ा सा दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो हम अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको दे देंगे। तो आप पहले इस 5 प्रॉब्लम को एक बार सॉल्व करके ठीक हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, बन गया है, हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर भी हमको भेज सकते हैं अपना सॉल्यूशन। और जो भी बच्चे 1 से लेकर के 5 तक से कम 3 प्रॉब्लम भी बना करके भेजेंगे, अगले वीडियो में मैं उस बच्चे का नाम लूँगा। ठीक, आपको ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर, अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।